हेलो स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो बात की थी वो बेसिकली जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर थे उनकी बात की थी, यानी हमने ये बात की कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर में बेस ईयर का चुनाव किस तरह से होता है, फिर इंडेक्स नंबर बेस ईयर में फिक्स बेस और एवरेज बेस, फिर उसके बाद चेन बेस इंडेक्स क्या होता है, फिर फिक्स बेस से चेन बेस में कन्वर्जन और चेन बेस से फिक्स बेस में कन्वर्जन, फिर इसी के साथ ही में हम लोगों ने बेस शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग और फिर उसके बाद में बेस कन्वर्जन की बातें की थी, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर भी हम लोगों ने सीखा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले दो वीडियोज में, यानी इंडेक्स नंबर का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में देखा। वीडियो नंबर 3 में हम लोग देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी अभी तक जितने भी हम लोगों ने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए उनमें सिर्फ बात प्राइस की हो रही थी, यानी वस्तुओं के प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उनसे इंडेक्स नंबर किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। बीइंग ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की वजह से हम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है कि प्राइसेस गिरने या बढ़ने का फर्क वेट पर क्या पड़ता है, यानी वेट में भी क्या चेंजेस होते हैं, यानी अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो क्या उसकी डिमांड भी बढ़ती या कम होती है, और तब फिर हम जो इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे वो प्राइस के साथ वेट को भी कंबाइंड कर जब कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आता है। तो जब हम प्राइस के साथ वेट को भी जोड़ लेते हैं, यानी क्वांटिटी को भी जोड़ लेते हैं कि प्राइस कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, जब हम ये चीज जोड़ लेते हैं तो इसे कहते हैं वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ये वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर जो है ये सबसे पहले प्रोफेसर लेस्पियर जो सबसे पहले थे, वो प्रोफेसर लेस्पियर थे जिन्होंने इसका कंसेप्ट दिया 1871 में, और उन्होंने तब एक फॉर्मूला दिया। देखिए जो सिंपल हम लोगों का फॉर्मूला इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का है वो सिंपल फॉर्मूला ये है, ये सिंपल फॉर्मूला है कि P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 जो अभी तक आप कैलकुलेट कर रहे थे। लेस्पियर ने इसी फॉर्मूले में क्वांटिटी भी जोड़ दी, यानी आप देखिए P1 अपॉन P0 बेसिक फॉर्मूला यही है, P1 अपॉन P0 ये इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला है, तो P1 अपॉन P0 उन्होंने लिया, साथ में उन्होंने Q0 यानी P1 Q0 अपॉन P0 Q0 भी जोड़ दिया, यानी जो लेस्पियर का जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, यानी P1 के साथ उन्होंने Q0 को ऊपर भी जोड़ दिया और P0 के साथ Q0 को नीचे भी जोड़ दिया। तो यानी कि अब ये क्या हो गया कि P1 क्या था, P1 होता था प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 होता था प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो अब Q0 क्या हो गया, Q0 हो गया क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो यानी कि अब उन्होंने अपनी प्राइस ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ बेस ईयर के साथ में क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को भी जोड़ दिया, और इस तरह से उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ लेस्पियर का। इस फॉर्मूले की कमी क्या थी, इस फॉर्मूले की कमी ये थी कि इसमें सिर्फ क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर लिया गया था लेकिन क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। तो फिर प्रोफेसर पाशे आए और इन्होंने 1876 यानी 3 साल के बाद में 1874 में इन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया, और इन्होंने ये फॉर्मूला दिया सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब दोनों फॉर्मूलों में हम लोग फर्क देखें तो दोनों फॉर्मूलों में फर्क हमको सिर्फ इतना दिखाई देता है कि यहां Q0 यानी क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को लिया गया है, जबकि पाशे ने अपने फॉर्मूले में क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर को लिया है, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर का कहीं जिक्र नहीं है। यानी Q1 क्या चीज है, Q1 है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो अब इस तरह से ये दो फॉर्मूले हमको दिखाई दिए। अब इस
इन फॉर्मूलों से एक क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं। अब ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम दी हुई है, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेट डाटा बाई अप्लाइंग लेसपेर एंड पाशे मेथड बोथ। अब इसमें ये हमको कमोडिटीज दी है, कमोडिटीज में हमको वीट है, राइस है, ऑयल है और घी, ये चार हमको कमोडिटीज दी हैं और 1992 और 1994 के प्राइसेस दिए हैं। 92 को बेस ईयर मान लिया गया और 94 को करंट ईयर मान लिया गया। तो अब जो बेस ईयर है तो उसकी प्राइस क्या हो गई, उसकी प्राइस हो गई पी जीरो और उसकी क्वांटिटी हो गई क्यू जीरो। जो करंट ईयर है उसकी प्राइस हो गई पी वन और उसकी क्वांटिटी हो गई क्यू वन। अब हम लोग इससे कैलकुलेट कर ले, हमको चाहिए क्या है, पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो लेसपेयर कैलकुलेट करने में और पाशे कैलकुलेट करने में, पी वन क्यू वन और पी जीरो क्यू वन। तो अब हम ये लोग ले लें तो अब क्या हो गया, यहां हम ले लेते हैं सिग्मा तो बाद में लगेगा, पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, पी वन क्यू वन, पी जीरो क्यू वन। इस तरह से अब इनको हम चार हिस्सों में बांट लें इस जगह को और इनको कैलकुलेट कर लें। पी वन क्यू जीरो, अब पी वन ये है और क्यू जीरो ये है, 5 × 2 = 10, फिर 3 × 4 = 12, 6 × 6 = 36 और फिर 5 × 3 = 15। ये आ गया पी वन क्यू जीरो। इसी तरह से पी जीरो क्यू जीरो कैलकुलेट कर लें, 5 × 2 = 10, 6 × 4 = 24, 5 × 6 = 30, 4 × 5 = 20। फिर पी वन क्यू वन ये हो गया, ये पी वन है ये क्यू वन है, 5 × 2 = 10, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30, 3 × 3 = 9। फिर पी जीरो क्यू वन, अब ये पी जीरो है ये क्यू वन है, 5 × 2 = 10, 6 × 6 = 36, 5 × 5 = 25 और 4 × 3 = 12। अब ये हो गया, इन सब का टोटल हम लोग कर लें, इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिग्मा पी वन क्यू जीरो, ये हो गया सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, ये हो गया सिग्मा पी वन क्यू वन और ये हो गया सिग्मा पी जीरो क्यू वन। जब हमने इसका टोटल किया तो इसका टोटल आया 73, इसका टोटल किया तो ये आया 84, इसका टोटल किया तो ये आया 67 और इसका टोटल किया तो ये आया 83। ठीक है, तो अब इस तरह से ये आ गए। अब इनसे हम लोग कैलकुलेट कर लें। अब पहले हम लोग लेसपियर के फॉर्मूले में रख लें इसको, तो लेसपियर का फॉर्मूला ये है और लेसपियर के फॉर्मूले में अगर हम इसको रखें तो हमें पता चल जाएगा लेसपियर, लेसपियर का फॉर्मूला है ये, यानी पी जीरो वन इज इक्वल टू पी वन क्यू जीरो, कितना आया पी वन क्यू जीरो आया 73 अपॉन पी जीरो क्यू जीरो कितना है 84 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर यह आया 86.9। इसी तरीके से हमने पाशे में जब ये फॉर्मूले में रख लिया यही वैल्यूज, अब पाशे के फॉर्मूले में रखेंगे पी जीरो वन इज इक्वल टू पी वन क्यू वन कितना है 67 ये और पी जीरो क्यू वन कितना है 83 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, जब इसको हमने सॉल्व किया तो यह आया 80.72। तो इस तरह से हमने देखे तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये आ गया लेसपियर का फॉर्मूले से आंसर और ये आ गया पाशे के मेथड। इसके बाद में एक इसमें फॉर्मूला और आता है जो कहलाता है डॉर्विश बाउले का फॉर्मूला। डॉर्विश बाउले ने क्या किया, डॉर्विश बाउले थोड़ा चालाक थे, इन दोनों आदमियों ने मिलकर इन्होंने देखा कि लेसपियर की कमी यह है कि इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर लिया है, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर नहीं लिया है, और पाशे ने ये फॉर्मूले में ये कमी थी कि इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर लिया है लेकिन क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर नहीं लिया है। तो डॉर्विश बाउले ने क्या किया, डॉर्विश बाउले ने कहा कि इन दोनों से हम
कैलकुलेट करते हैं और उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया जो कहलाता है डॉर्विश बाउले का फॉर्मूला, डॉर्विश एंड बाउले। और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खाली इन दोनों के फॉर्मूलों को जोड़ दिया, यानी ये जो लेस्पियर का फॉर्मूला था क्या, सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो प्लस जो पाशे का फॉर्मूला था सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन को टू से डिवाइड करके और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया डॉर्विश बाउले का फॉर्मूला। अब डॉर्विश बाउले के फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें तो डॉर्विश बाउले का फॉर्मूला अगर सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है। पी वन क्यू जीरो कितना है, पी वन क्यू जीरो है 73 अपॉन पी जीरो क्यू जीरो है 84 प्लस पी वन क्यू वन है 67 अपॉन पी जीरो क्यू वन है 83 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आ गया 83.81। तो अब इस तरह से आपने देखा कि लेस्पियर का फॉर्मूला ये हो गया, पाशे का ये हो गया और डॉर्विश बाउले के फॉर्मूले में लेस्पियर और पाशे दोनों का फॉर्मूला जोड़ दिया गया। अब डॉर्विश बाउले की कमी क्या थी, डॉर्विश बाउले के फॉर्मूले की कमी यह है कि डॉर्विश बाउले ने इसका एक अरिथमेटिक मीन निकाल दिया, यानी कि दोनों को जोड़कर और दो से डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद आते हैं फिशर। फिशर ने यह कहा कि अरिथमेटिक मीन का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए यह भी उतना अच्छा फॉर्मूला नहीं है और वो उन्होंने एक दूसरा फॉर्मूला दिया। और उनका फॉर्मूला क्या था, उन्होंने फॉर्मूला यह दिया, उन्होंने भी यही बेसिक फॉर्मूला यही रखा, यह है फिशर का फॉर्मूला। फिशर्स जिसे हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, इनका फॉर्मूला था P01 इज इक्वल टू, इन्होंने यही फॉर्मूला लिया जो डॉर्विश बाउले ने फॉर्मूला था या जो लेस्पियर और पाशे का फॉर्मूला था, यानी सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 और इसका अंडर रूट निकाल के और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इंडेक्स नंबर। बस ये हो गया फिशर का फॉर्मूला। कोई परेशानी की बात नहीं है, बस देखिए आप किस तरह से जो लेस्पियर ने एक फॉर्मूला दिया उसी लेस्पियर की कमी को दूर करने के लिए पाशे ने एक फॉर्मूला बनाया, पाशे और लेस्पियर दोनों की कमियों को दूर करने के लिए डॉर्विश बाउले ने बनाया और फिर डॉर्विश बाउले के उसी फॉर्मूले को फिशर ने थोड़ा और मॉडरेट किया और इस तरह से फिशर का फॉर्मूला बन गया जो कि बेस्ट फॉर्मूला कहलाता है अभी भी। अब इससे भी हम लोग यही सवाल जो है वो इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो फिशर का फॉर्मूला हो गया सिग्मा P01 इज इक्वल टू, अब इनका सिग्मा P1Q0 सिग्मा P1Q0 73 अंडर रूट में आ जाएंगे हम 73 अपॉन सिग्मा P0Q0 अपॉन 84 मल्टीप्लाइड बाई P1Q1 67 अपॉन P0Q1 83 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर ये इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 83.76। ये हो गया फिशर का फॉर्मूला। तो इस तरह से फिशर के फॉर्मूले से हो गया सॉल्व। तो इस तरह से जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसमें इस तरह की चीज आती है, खास करके फिशर का इंपॉर्टेंट बहुत माना जाता है, लेकिन लेस्पियर पाशे डॉर्विश बाउले और फिशर के चारों मेथड से हमने आपको सवाल बता दिए। इसमें इस तरह से आपने देखा कि लेस्पियर ने किस प्रकार से वेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला दिया और फिर उसके बाद में उसकी कमी को दूर करते हुए किस प्रकार से पाशे ने अपना फॉर्मूला दिया और फिर उसके बाद में डॉर्विश बाउले ने कैसे लेस्पियर और पाशे के फॉर्मूले को दोनों को जोड़ के उसका अरिथमेटिक मीन निकाल दिया और फिर बाद में फिशर ने उसी फॉर्मूले को डॉर्विश बाउले के फॉर्मूले को और मॉडरेट करके अरिथमेटिक मीन लगा के उसमें और अपना एक फॉर्मूला बनाया। तो इस तरह से ये फिशर का फॉर्मूला बना। ओके, थैंक यू। इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक
पहुंच सके। थैंक यू।